अगर आपके भी दाढ़ी के बाल झड़ रहे हैं और आप आपके दाढ़ी के बालों को कंट्रोल करना चाहते हो और जो बाल झड़ चुके हैं उसको दोबारा उगाना चाहते हो, तो आपको क्या लगाना चाहिए? क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके बियर्ड के हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकता है, साथ में रेग्रोथ भी कर सकता है? तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी चाहे पतली पतली दाढ़ी है या पूरी दाढ़ी है, अगर वो हाथ फेरते हैं तो हाथों में बाल आ जाते हैं, या फिर वो फेस वॉश करते हैं उस टाइम भी फेस पर बाल, जो आपके फेस के बाल है वो हाथों में आ जाते हैं, या पर सोते सोते भी बाल झड़ रहे हैं, यानी आपके जो दाढ़ी के बाल हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनकी जड़ अभी प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग नहीं हुई है, जिसके कारण से वो बहुत ही आसानी से हेयर फॉल हो जाता है। तो अगर आपकी भी ऐसी बियर्ड है, ऐसे हेयर्स हैं, तो आपको ये वीडियो में मैं ट्रीटमेंट्स बताने वाला हूँ, आपको वो ट्रीटमेंट्स यूज़ करना चाहिए। देखो, अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आप तो ये प्रॉब्लम मान सकते हैं कि भाई आपको जेनेस्टिक प्रॉब्लम्स है, यानी आपके फादर के हेयर फॉल होते हैं, या फिर आपके ब्रदर के हेयर फॉल होते हैं, या फिर आपके ग्रैंडफादर के हेयर फॉल होते हैं, या फिर आपके मदर के हेयर फॉल होते हैं, तो इस टाइप से आप मान सकते हैं कि आपके भी हेयर फॉल होंगे, लेकिन आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। बाकी जो अदर प्रॉब्लम्स है वो आप ख़राब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ख़राब सॉप यूज़ करते हैं, ख़राब आप शैम्पू यूज़ करते हैं, ख़राब ऑयल लगाते हैं, तो उस कंडीशन में ख़राब प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, जिसके बाद से आपको हेयर्स डैमेज होने लग जाते हैं और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम सामने आती है। तो पहले आप प्रोडक्ट चेंज करें, जो आप कंटिन्यू प्रोडक्ट लगाते आ रहे हैं आपके फेस को वॉश करने के लिए, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करें, जो भी आप ऑयल लगा रहे हैं उसको चेंज करें, और आप हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए और जड़े हुए बालों को उगाने के लिए आप मिनोक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बियर्ड पर यूज़ करना चाहते हैं, मूँछों पर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप आपके हेयर्स पर यूज़ करना चाहते हैं, तो मिनोक्सिडिल एक बेस्ट ऑप्शन होता है, जो कि डॉक्टरों द्वारा रिकमेंड किया हुआ एक सॉल्यूशन है, जिससे कि आपके 100% आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है और जो आपके हेयर्स जड़ चुके हैं वो हेयर्स भी रेग्रोथ हो जाते हैं। मैंने मिनोक्सिडिल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह बना रखे हैं, लेकिन वो मैंने अलग तरीके से बनाया था, ये बियर्ड के हेयर फॉल के लिए, सिर के हेयर फॉल के लिए मैं आपको ये वीडियो और मिनोक्सिडिल सजेस्ट कर रहा हूँ। आप मिनटॉप मिनोक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है, उससे कम वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने बना रखे हैं टॉप 5 मिनोक्सिडिल, जो कि आपकी बियर्ड पर, आपके हेयर्स पर डेफिनेटली वर्क करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट भी देंगे। तो 5 मिनोक्सिडिल हैं, 5 में से आप यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट जो है वो मिनटॉप का होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको लगाने का तरीका होता है, जो अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो पहले तो आप आपकी बियर्ड की शेप कर लें, अगर आप शेप नहीं करना चाहते हो तो उस पर ही अप्लाई करें, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगेगा। आप मिनोक्सिडिल है उसको लगा के 1-2 मिनट तक मसाज करें आसानी से, और मसाज करने के बाद आप रात को लगा के सो जाएं। सुबह उठ के आप फेस वॉश कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। मिनोक्सिडिल ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और जो आपके DHT बूस्टर होता है उस पर भी वर्क करता है, जिससे कि आपके हेयर फॉल तुरंत कंट्रोल हो जाता है और जो बाल आपके झड़ चुके हैं वो दोबारा से रेग्रोथ होने में आपको हेल्प करता है। तो जिस किसी को भी बियर्ड के हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स है या फिर बियर्ड ग्रोथ करना है, जिस किसी के दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है, सिर के बाल झड़ चुके हैं, नए बाल उगाना चाहते हैं, तो वो लोग भी मिनोक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं। बट आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये केमिकल प्रोडक्ट होता है। अगर आपकी एज कम है और आपकी स्किन बच्चों जैसी है, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप मेच्योर होने के बाद ये मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो भाई लोगों, ये ट्रीटमेंट्स यूज़ करके मुझे ज़रूर बताएं, 1000-1500 के प्राइस में आपको बेस्ट मिनोक्सिडिल मिल जाएगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 महीने में आपके हेयर्स फॉल कंट्रोल हो जाएंगे और 1 महीने में आपके नए बालों की ग्रोथ भी होने लग जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।